हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अ विजन इंस्टीट्यूट, ए विजन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। तो आज हम, जैसे कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम आने वाला है जो कि मार्च में होगा, तो उसके ऊपर हम लोग ट्रिक्स का एक पार्ट कर रहे थे। जो चार पार्ट हम लोग का हो चुका है, तो ऐसे ही एक और ट्रिक का पार्ट लाए जिसमें आज हम देखेंगे एरिया वाइज कंट्रीज ट्रिक्स, मतलब कि एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री मतलब कौन है सबसे ज़्यादा, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखते चलेंगे। साथ में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि क्या उसका करेंसी है या फिर क्या उसका कैपिटल है। तो चलते हैं, हम लोग ट्रिक लिख के रखे हैं कि रुक चीन अब आ भारत। अब इसको डिकोड करते हैं कितने कंट्रीज हैं। तो आपको पता है यहाँ से एक हो गया, ये क से दो, चीन हो गया तीन, चार, ये ब से हो गया पाँच, छः और सात अपना भारत। ये सात कंट्रीज का नाम हम देखेंगे, साथ ही साथ उसका करेंसी और कैपिटल भी देख लेंगे। तो पहले आप र से, आपको याद होगा रसिया, रसिया हो जाएगा। क से हो जाएगा दो नंबर का कंट्री कनाडा। उसके बाद चीन से आपको पता है चाइना है। नेक्स्ट आ गया अ, अब यहाँ पे आ है और अ है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद अमेरिका आता है, सबको पता होगा अमेरिका आता है। फिर आ गया ब से ब्राजील, ब्राजील आ गया। इधर अब ऑस्ट्रेलिया आएगा, ऑस्ट्रेलिया, और फिर भारत मतलब अपना पारा प्यारा भारत इंडिया, यहाँ पे इंडिया लिख दिया, भारत से आपको याद ही रहेगा। तो ये सात कंट्रीज हो गई एरिया वाइज डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कि सबसे ज़्यादा एशिया रसिया का है, फिर कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। अब देखते हैं इनका कैपिटल, कि कैपिटल क्या होता है। तो रसिया कैपिटल आपको पता होगा मॉस्को, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कैपिटल को लेकर, TCA से ज़्यादा करके पूछ रहा है कैपिटल क्या है इस देश का, या फिर करेंसी पूछ देगा। तो कनाडा का हो जाएगा ओटावा, चाइना का होगा बीजिंग, नेक्स्ट आ गया अमेरिका तो आपको पता होगा वाशिंगटन टन DC, ब्राजील का होता है ब्रासिलिया, पहले ये रियो डी जेनेरो होकर था ब्रासिलिया, अच्छा ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा कैनबेरा, और इधर इंडिया आपको पता है न्यू दिल्ली, फिर भी लिख रहा है न्यू दिल्ली। तो ये हो गया हम लोग का कैपिटल्स, अगर पूछेगा कोई भी कंट्री का यहाँ से स्ट्रिक से, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग उसका करेंसी को लेके, करेंसी क्या होगा। तो करेंसी मॉस्को का आपको पता है रूबल, रूबल। कनाडा का हो जाएगा कैनेडियन डॉलर होता है, लेकिन हम क्या याद रखेंगे ओनली डॉलर, क्योंकि एग्जाम में कैनेडियन डॉलर नहीं देगा, डॉलर देगा, डॉलर कैनेडियन डॉलर देगा तो आपको आइडिया लग जाएगा, इसीलिए वो डॉलर देगा। बीजिंग का होता है रेनमिनबी, रेनमिनबी, ठीक है रेनमिनबी। उसके बाद अमेरिका का फिर से डॉलर होता है, ब्राज़ील का आपका रियल होता है, एंड इंडिया का आपको पता है रुपीस। इधर मेरा ऑस्ट्रेलिया छुप गया, तो ऑस्ट्रेलिया का भी डॉलर ही होता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर बोलते हैं, कैनेडियन डॉलर बोलते हैं, अमेरिकन डॉलर बोलते हैं, तो डॉलर होता है, अलग अलग वैल्यू होता है, लेकिन आपको एग्जाम में डॉलर करके देगा, तो डॉलर ही याद रखना है आपका। ये ट्रिक हो गया एरिया वाइज ट्रिक्स फॉर कंट्री, क्या ट्रिक है, रुक चीन अब आ भारत, आपको याद रखना है रुक चीन अब आ भारत। उससे आपको रसिया मिल रहा है, कनाडा मिल रहा है, चाइना मिल रहा है, अमेरिका मिल रहा है, ब्राज़ील मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, सात कंट्रीज डिक्रीजिंग ऑर्डर मिल रहा है। हम लोग का इंडिया सात नंबर पे आता है और एक नंबर पे रसिया आता है, बीच में आपको मिल गया। तो ये था ट्रिक नंबर वन आज का हम लोग का, अभी हम लोग का एक नंबर हो गया। दो नंबर ट्रिक्स पे चलते हैं, परमानेंट मेंबर्स ऑफ, परमानेंट मेंबर्स ऑफ ऑफ UNO, UNO को कुछ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कुछ परमानेंट मेंबर्स होते हैं, तो वो परमानेंट मेंबर्स कौन है, डायरेक्ट याद करते हैं, सिंपल सा एक ट्रिक है, रसिया का फेस आपको याद रखना है, कि रसिया का फेस याद रखना है। अब रसिया का जो फेस होगा वही हम लोग का ट्रिक होगा, डिकोड करते हैं ट्रिक को। तो पहला कंट्री आपको नाम से पता चलेगा कि रसिया होगा, अच्छा का को मीनिंगफुल करने के लिए रखते हैं तो भूल जाना है। नेक्स्ट चलते हैं एफ पे, तो ये दो नंबर का कंट्री होगा, ए से होगा तीन नंबर, सी से चार, और ये पाँच, मतलब पाँच टोटल परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि UNO सिक्योरिटी काउंसिल या कोई भी काउंसिल में बैठते हैं, पूछा जाता है ना पांच, जिनके पास वेटो पावर होता है, तो ये पांच परमानेंट मेंबर्स हैं। तो पहला आपको बताना है कि रसिया होगा, एक कंट्री तो आपको मिल गया रसिया। नेक्स्ट आते हैं एफ से, तो एफ से आइडिया लगाए तो क्या होगा फ्रांस। उसके बाद ए से, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया या फिर कोई कंट्री याद नहीं रखना है, दुनिया का जो सुपर पावर है अमेरिका उसको याद रखना है, अमेरिका। फिर आ गया सी से, तो आपको पता होगा चाइना, और ई से आपको पता होगा इंग्लैंड, इसको यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं, हम इंग्लैंड याद रखते हैं इसको, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये जान सकते हैं कि इनके कंट्रीज के प्रेसिडेंट कौन है, क्योंकि एग्जाम में प्रेसिडेंट भी पूछता है,
और यहाँ पे एक कंट्री के प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ है, तो रशिया का प्रेसिडेंट आपको पता है व्लादिमीर पुतिन, फ्रांस के आपको पता है इमैनुअल मैक्रोन, मैक्रोन लिखिएगा। अच्छा, अमेरिका का हमेशा न्यूज में रहता है तो वो हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। चाइना का आपको पता होगा सी जिनपिंग, सी जिनपिंग। चाइना अभी बहुत न्यूज में है कोरोना वायरस को लेके, तो ये आपको याद होगा। इंग्लैंड में अभी पीएम इलेक्ट हुए हैं, पीएम होगा ये, बाकी जितना हम बताएं ये सब प्रेसिडेंट्स हैं वहां के, प्रेसिडेंट। और इंग्लैंड में पीएम अभी नए नए इलेक्ट हुए, कौन है? बोरिस जॉनसन, बोरिस जॉनसन। आपको ये याद रखना है, इतना कुछ हो गया। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ था 1945 में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यूनाइटेड नेशन में बहुत सारे और भी अंग होते हैं, परमानेंट मेंबर्स अगर पूछेगा तो आपको याद रखना रसिया का फेस, रसिया का फेस, और उसमें आपको रसिया, फ्रांस, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड आ जाता है। प्रेसिडेंट का अगर बात करें तो व्लादिमीर पुतिन, मैक्रोन, ट्रम्प, सी जिनपिंग, और इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर होगा बोरिस जॉनसन। ठीक है, इतना याद रखना। तो ये था आज हम लोग का दो ट्रिक, एक बेस्ड करके एरिया वाइज था ये वाला, और दूसरा बेस्ड करके था परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनओ। दो ट्रिक पढ़ा दिए। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ एविजन इंस्टीट्यूट। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए हमारे वीडियो को, ताकि और भी ऐसे वीडियोज़ लाते रहें। थैंक यू।